उनमें से आधे लोग ये बोलते हैं कि कनवाल जी जो है वो अपनी जगह ठीक नहीं है, और आधे लोग अर्जुन के ऊपर बोलते हैं कि अर्जुन अपनी जगह ठीक नहीं है। मतलब इन लोगों के बीच में कुछ विवाद है, जो जो चीज़ क्लियरिटी है ना सामने नहीं आ पा रही है, और जब वो क्लियरिटी सामने नहीं आ पा रही है तो मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता था। ओ ये देखो, ये जरा सा लड़का कैसे गेम खेल रहा है, देखो ग्रेनी वाला है ना, कैसे खेल रहा है, सीख गया ये। ये एक हॉरर गेम है, ये देखो खेल रहा है मुझे से। उंगली कटाने वाला, इसे उंगली कटती है, कैसे कटती दिखाना। इसके बड़े दांत होते हैं ना। बड़े दांत होते हैं। हाँ। काट दूंगा। 6 7 9 10। अब तो मस्त हो गई तू बिल्कुल है, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? हार्ट बीट तेज हो जाती है दोपहर में, तीन बजे करीब। तभी भी थकान हो रही है। अभी स्टेबल 97 आ रही है, 96, पहले 93, 92, 90 ऐसे आ रही थी। 92 तो कभी नहीं हुई। हुई है, मैंने देखी है। अरे 90 भी देखी है मैंने, तू सो रही थी, मैंने चेक किया था। क्या गंदा हुआ है ये, छोटे छोटे बिजनेसों का इतना कबाड़ा हुआ है ना कि बेचारे गलियों में छुप छुपा कर अपना काम करने में मजबूर हो गए हैं। जैसे यहाँ पे कुल्फी बेच रहा है, और ये अलाउड नहीं है इस वक्त कि आप है ना किसी भी तरह का ठेला, और है ना मतलब लॉकडाउन यहाँ पर खुलता है सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का। लेकिन ये कोरोना लेकिन है ना यहाँ पर इस वक्त अलाउड नहीं है। लेकिन अगर सुबह 6 बजे कौन कुल्फी खाएगा यार, सुबह 6 से 9 के बीच में कौन कुल्फी खाएगा, या बिरयानी खाएगा या फिर कुछ भी खाएगा। तो इस तरीके से है ना, जो जितने भी छोटे बिजनेस थे ना उनका बहुत बुरी हालत हो गई है। और ये बिजनेस नहीं है, छोटे छोटे ठेले थे जो दिहाड़ी का काम करते थे, डेली अपना कुछ तो भी बनाया चटर मटर और वो बेच दिया, अच्छा खासा चलता था उन लोगों का। लेकिन अभी बहुत बुरे हाल है। फाइनली हमारी लिफ्ट सही हो गई, ये तो मैं बताना ही भूल गया। किसी को कुछ इमरजेंसी हो ना तो वो बेचारा परेशान ही हो जाए, मतलब पहले एक मिनट सुनना ही पड़ता है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। सारे पार्सल स्टेट वाइज कर दिए थे, सारे पार्सल अलग स्टेट वाइज रखे हुए हैं। और ये जो रेड रेड में, ये सारे महाराष्ट्र के हैं क्या? ये सारे महाराष्ट्र के हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी हनी आया था, उसने सारे जितने भी पार्सल हमको भेजने हैं उनको स्टेट वाइज जो है डिवाइड कर दिए हैं, और जिस स्टेट का लॉकडाउन जैसे ही ढीला होता है वैसे ही उनको आपको भेजना स्टार्ट कर देंगे। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत सख्त लॉकडाउन है। और सबसे ज़्यादा कुरियर जो हमारे महाराष्ट्र जाते हैं, तो ये पूरे महाराष्ट्र के पैकेट हैं। जैसे जैसे स्टेट्स के लॉकडाउन खुलने स्टार्ट होंगे ना वैसे वैसे हम उनको भेजना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट ड्रिंक, तो हमारा आज का टारगेट है पीसी को सही करना। हमारा पीसी खराब हो चुका है और ये ठीक से प्रिंटआउट वगैरह नहीं निकाल रहा है। दूसरा, हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ असेंशियल प्रोडक्ट्स भी अपनी वेबसाइट से जोड़ें, जैसे कुछ फूड आइटम्स हो गए या मास्क हो गए। तो अगर आप लोग ऐसा कोई भी बना रहे हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो इस नंबर पर। और जिन लोगों ने भी है ना बुक्स ऑर्डर किए हैं और वो सनी को कॉल कर रहे हैं और किसी भी कारण से उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग जो है वो 12 से 5 बजे के बीच ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि कई बार हम बहुत से काम कर रहे होते हो तो उस समय फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। फिर हम कोई काम करने बैठते हैं तो ये ऐसा वस्तु भी हो जाता है और बंद हो जाता है। मैं गया था कंप्यूटर सही करने, हाँ। और मैंने और ज़्यादा ख़राब कर दिया उसको, सब बंद हो गया, हाँ, अब चालू भी नहीं हो रहा। जैसे मैंने उसको चालू कर दिया था नेटवर्क मोड पे, सही बोल रहा हूँ। तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि कुछ असेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर आए वेबसाइट पर, तो अभी एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं हम जो कि है ना मास्क बना रहे हैं, और कुछ लोगों से और बात हुई है, उनको भी आपको एक एक करके दिखाएंगे। क्या शानदार उस व्यू आ रहा है सामने, मेन रोड अच्छा। You're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. What is love? Lately I've
ऐसा बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो इस वक्त अभी बंद पड़ा हुआ है। तो ये वो एसेंशियल प्रोडक्ट है जो हम सेल करने वाले हैं अपने वेबसाइट पर। काफ़ी सुंदर मास्क लग रहा है ये, और ये 6 लेयर्ड मास्क है। और ख़ास बात ये है कि एनवी ग्रुप वालों ने बनाया है इसको, और पूरा मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मास्क है ये। और जल्दी मतलब हो सकता है अब नेक्स्ट कल से हमारे वेबसाइट पर ये अवेलेबल हो जाएगा, आप ख़रीद सकते हो। क्योंकि हमें है ना बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऐड करना पड़ेंगे अगर हम अपना बिज़नेस चलाते रहना है। और ख़ास बात बस यही है कि ये सारे प्रोडक्ट जो है ना वो बहुजन लोग बना रहे हैं। मैं अभी घूमने गया था और मैंने इसको लगा कर वॉक करके देखा, काफ़ी अच्छी तरह से सांस भी आ रही है, फिट भी अच्छे से हो रहा है और प्रोटेक्शन भी अच्छी लग रही है मुझे। आज मैं एक बहुत ख़ास बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जितने भी वीडियो ब्लॉग्स बनाता हूँ ना, जिसमें बहुत से राजनेता को मैं फीचर करता हूँ या कोई बहुजन प्रोडक्ट को फीचर करता हूँ, आज भी मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बात की जो बहुजन द्वारा बनाया जा रहा है। और जितने भी ऐसी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, उनके मालिकों से या उन नेताओं से मैंने कभी भी एक रुपए का भी डोनेशन, पैसा, चंदा, प्रमोशन फीस ऐसा कुछ भी नहीं लिया अपने जीवन में। अब ये एकदम से ये बात कहाँ से निकल के आई, मतलब मैं बस यहाँ बैठा हुआ था, मुझे एक ट्वीट देखने को मिला जो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और उससे मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर ये बात मुझे बतानी चाहिए सब लोगों को। और उसका रीज़न है ये वाला ट्वीट। कनवाल कनवाल बादगो ये लिखते हैं, भोजन कवर द स्टूडियो भोजन मीडिया से जुड़े चंद दोस्त शुरुआत में आते रहे, जिनमें सुमित चौहान द शूद्रा के, द न्यूज़ बिग हो गया जो, तथागत लाइव, धाकर टीवी और मिलिंद गौतम, एनजीओ विष्णु आते रहे जिन्हें स्टूडियो के बारे में लगभग सारी जानकारी थी। अब ये एक्चुअली विवाद क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में। और यहाँ पर मुझे टैग किया गया है और ये बोला गया है कि मैं चंद दोस्त था जो बहुजन मीडिया के साथ आता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है, मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा ज़्यादा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कनवाल जी हैं ये बहुजन वुड के जिस बिल्डिंग में स्टूडियो बना था ये उसके मालिक हैं। और आप लोगों को पता है बहुजन वुड जो है वो अर्जुन सिंह फिल्म्स, अर्जुन सिंह ने बनाया है, मतलब अर्जुन ने बनाया है ये चीज़। मैंने बहुत पहले अर्जुन को कॉल भी किया था इस बारे में कि अर्जुन क्या चल रहा है। अर्जुन बोलता है कि जो कनवाल जी हैं उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उनका मन बदल गया और ये इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर उन्हें फंडिंग करना बंद कर दी, और इसलिए मैंने वहाँ पर उनको चाबी देकर वापस आ गया हूँ। और कनवाल जी का कहना है कि अर्जुन ने लगभग 30-40 लाख रुपए का सामान खरीदवाया और वो सामान जो है वो अर्जुन लेकर वापस आ गया। तो इन दोनों के बीच में है ना मैं इसलिए नहीं पढ़ा इतना ही, इसके ऊपर कभी भी वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि मुझे है ना जितने भी बहुजन मीडिया वाले हैं, जितने सुमित भाई हैं और जितने भी लोग हैं ना इस विवाद से जुड़े हुए, उन सबको मैं फ़ोन लगा चुका हूँ। और उनमें से आधे लोग ये बोलते हैं कि कनवाल जी जो हैं वो अपनी जगह ठीक नहीं है, और आधे लोग अर्जुन के ऊपर बोलते हैं कि अर्जुन अपनी जगह ठीक नहीं है। मतलब इन लोगों के बीच में कुछ विवाद है जो चीज़ क्लियरिटी है ना सामने नहीं आ पा रही है, और जब वो क्लियरिटी सामने नहीं आ पा रही है तो मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता था। मेरा अर्जुन का क्या रिलेशन है वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अर्जुन ने काशीराम जी के ऊपर फिल्म बनाई थी। मेरे घर के पास रायपुरिया सर रहते हैं जिन्होंने उस फिल्म की ना स्क्रिप्ट लिखी थी, तो उन्होंने से मैं मिला था और उन्होंने मुझे अर्जुन से मिलवाया था। और सिर्फ आपको याद होगा 5-स्टार होटल में हम लोगों ने एक लॉन्चिंग की थी यूट्यूब पर, तो बस यहीं से मेरी जुड़ाव अर्जुन से हुआ था। और अर्जुन ने फिर जब ये स्टूडियो बनाया, भोजन वुड जो स्टूडियो बनाया था ना ये बहुत ही सुंदर था, और ऐसा है ना मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था कि कोई भोजन रिलेटेड व्यक्ति जो है कुछ इस तरह का कुछ काम कर रहा है और जो इस तरह के शोज लाने की प्लानिंग कर रहा है। इससे पहले आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। इस वजह से मेरी है ना एक इच्छा जागी और मैं बहुजन स्टूडियो, बहुजन वुड के जो स्टूडियो पे गया, उनके प्रोग्राम पे गया। चंद्रशेखर भाई भी आए थे उस प्रोग्राम में, लेकिन मैं जब भी बहुजन वुड के प्रोग्रामों में गया हूँ उसके लिए ना तो मैंने अर्जुन से किसी तरह का पैसा लिया है, ना आने जाने का खर्चा लिया मैंने, ना मैं वो वीडियो शूट करके अपलोड करने के लिए कोई खर्चा लिया। अगर आप यार मेला घूमने जाते हो, आपको मज़ा आता है मेला घूमने में, तो क्या मेले वाले आपको पैसे देते हैं क्या? नहीं ना, आप खुद जाते हो वहाँ पर, घूमते हो, इन्जॉय करते हो
और अगर आप एक ब्लॉगर तो उसका एक वीडियो भी बना लेते हो। बस यही हाल जो रहा है मेरा और बहुजन वोट का। बहुजन वोट में जब भी जो प्रोग्राम हुए हैं मैं वहाँ गया हूँ, अपनी मर्जी से गया हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ देखना थी, कुछ तो भी नया हो रहा था। और वहाँ जाकर मैंने सिर्फ और वीडियो शूट किया है, और इस चीज़ के लिए मैंने कोई भी किसी तरह का पैसा नहीं लिया कभी भी किसी से भी। और इसके लिए नहीं, किसी भी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ उसके लिए मैं एक रुपये भी चार्ज नहीं करता हूँ, ना ही किसी तरह का पैसा मैं लेता हूँ। तो ये कुछ ना लफड़ा ऐसा हुआ, और ये मुझे ना टैग किया गया था, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं जो अर्जुन का दोस्त हूँ। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे इस विवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। बट अगर मैं वीडियो में अभी नहीं बोलूँगा ना, तो समस्या ये हो जाएगी कि आप लोगों को लगेगा कि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, बस इतना ही क्लियर करना था मुझे। सुमित भाई को कोरोना हो गया। आपने अभी ट्वीट देखा उनका, कनवाल बाग, क्या नाम है उनका, कनवाल कौन? अरे वो जो बहुजन वुड के स्टूडियो के ओनर हैं। कंवल नाम है उनका। अभी अभी ठीक हो आप या समस्या आ रही है अभी भी? अभी थोड़ा बेटर हूँ, पहले से थोड़ा बेटर हूँ, बट वीकनेस काफी है। अच्छा, मतलब मैं वही पूछना चाहता था कि आपको और मुझे क्यों टैग किया गया है। ट्वीट पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग भी तो शामिल नहीं थे इस चीज़ में। मुझे टैग कर दिया, मैं सिर्फ उनसे एक ही बार मिला था, और मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो ये कोशिश करने की कर रहे हैं कि हम भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे या कुछ ऐसा। वो उसका कौन मतलब क्या निकालता है उसकी तो हमें क्या ही चिंता करनी चाहिए, बट ये कि हम जानते हैं कि जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो बुलाया था हम लोगों को, तो हम बतौर वेल विशर, बतौर यूट्यूबर गए थे फर्स्ट एपिसोड में। हमसे पूछ के तो आपने ओटीपी नहीं भेजा था ना पैसे ट्रांसफर करने का? हाँ, वही बात है, ओटीपी आता नहीं था आपका। हाँ, मैं वही बोल, क्या डील की क्या नहीं की वो आप दोनों के व्यक्तिगत मामला है। और मेरी जो बात हुई बड़ोगो साहब से, मैंने उन्हें बोला कि आपको अगर आपके पास सबूत हैं तो पुलिस में जाके शिकायत लिखित में दीजिए, कोर्ट में केस कीजिए, और जो भी सेटल है वो करें आपस में। अब ऐसे तो छीछा लेदर करने से तो कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ट्विटर पे ऐसे लिखने से, कीचड़ उछालने से तो समाज के जो लोग भरोसा करते हैं वो भरोसा खत्म हो रहा है ना। मैंने अर्जुन को भी फोन किया था कि जब ये सब बवाल शुरू हुआ कि भाई आप साथ में बैठ के ये शोर कर लो अपना, ऐसे एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, क्योंकि समाज के ही आदमी है ना भाई दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समाज में वैसे ही अच्छे लोग नहीं है, जो है उन पे भरोसा खत्म होगा, तो बैठ के आपस में बात कर लो। नहीं सुने अर्जुन ने मेरी बात, और फिर इन्होंने अपना जो भी करना है कर लो, जो करना है हम क्या करें, हम तो बीच में नहीं थे, हम तो आपके आगे पीछे थे नहीं। हाँ वही कि वही वो जो प्रोग्राम जिस तरह से मतलब फर्स्ट लॉन्चिंग में आए थे, उसके बाद जब स्टूडियो बना तो वहाँ पर भी आ गए, लेकिन इसके बारे में ना तो सुमित भाई को कुछ पता है ना मुझे पता है कुछ। हमने तो भरोसा किया ना अर्जुन की बातों पे कि बहुजन वुड जैसा अच्छा काम होगा और अपने समाज की फिल्में बनेंगी, अच्छे एपिसोड बनेंगे, तो हमारा तो वेल विशर के तौर पे समर्थन था। और नया बच्चा हमारा कोई कुछ कुछ करता है तो हम तो वैसे ही एकदम उसको ओवरवेल्म होके सपोर्ट करते हैं कि भाई अच्छी बात है हमारा बच्चा कुछ कर रहा है। तो अब वो आगे पीछे क्या गुल खिला रहे हैं हम, ये मतलब आगे से नसीहत है हम लोगों को कि भाई किसी और को भरोसा करने से पहले हम सोचें। बिल्कुल बिल्कुल, अपन को मतलब नेक्स्ट टाइम जब कुछ ऐसा होगा तो वहाँ पे आखिरी में डिस्क्लेमर भी डाल देंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ देखने आए क्या हो रहा है। नहीं एक्चुअली बस ये प्रॉब्लम है कि जो हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं ना, आप वीडियोस बनाते हैं, तो हम लोग भी है ना जब दिखाते हैं लोगों को उसी चीज़ पे भरोसा होता है ना। अब वो लोग बाकी जो है वो मुझे डीएम कर रहे हैं कि भैया ये क्या पंगा हुआ, कुछ तो बताओ उसके बारे में। नहीं अब हम कैसे किसकी गारंटी ले आ? मैंने तो ट्वीट किया कि भाई देखो आपस का जो आपका लेना देना है वो तो आप जाने, लेकिन इससे हमारे समाज का नुकसान हुआ ना। नए आदमी पे भरोसा कोई करेगा नहीं, फंडिंग करेगा नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल करेगा कोई आगे कल को, तो उसको बोलेगा कि फलां आदमी ने ऐसा किया था, तो ये एक समाज का नुकसान है। और हम लोग मतलब इतनी मेहनत करते हैं, इतना सेल्फलेसली अपने एंड से चीजें करते हैं, उसमें हमारा ही नाम इस्तेमाल करके कोई गलत इम्प्रेशन बना रहा है, तो ये मतलब बहुत गलत बात है। अब अर्जुन जो है वो
नितिन मेश्राम से मेरी वजह से मिला था क्योंकि नितिन मेरे दोस्त हैं, और कवल बडोग से वो नितिन की वजह से मिला क्योंकि वो नितिन के दोस्त हैं। तो ऐसे ही आपस में एक दूसरे की दोस्ती का वो मिसयूज हुआ ना। तो हमारा इसमें ना कोई लेना देना नहीं है, और मैं अर्जुन से इस टॉपिक पे इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे एक बार बात कर चुका हूँ, उसका ये कहना है कि उसने भी FIR करा चुकी है और कनवाल जी हैं उन्होंने FIR करा दी है, तो ये सब बीच में जो भी चल रहा है इस चीज़ में हमारा कोई लेना देना है नहीं, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, और बस यही बताना चाह रहा था। चलो फिर कल मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग।